बादशाह का ललन टॉप पे एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने सारी चीजें खोल के रख दी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आता तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बादशाह से हनी सिंह के बारे में पूछा गया कि भाई वो पहली बार हनी सिंह से कहां मिले और कैसे मिले। तो बादशाह ने बताया कि वो हनी सिंह से 2006 में मिले। वो जॉब भी कर रहे थे और वो स्टूडियो भी जाते थे और वो जिस स्टूडियो में जाते थे वहाँ पे कृषि सिंह करके एक पर्सन था जिनको मैनेज करते थे अनुप कुमार प्राशर जो कि हनी सिंह को भी मैनेज करते थे। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब आप हनी सिंह से मिले थे तो क्या उस टाइम पे आपके पापा भी साथ में थे। बादशाह ने रिप्लाई किया कि वो पहले तो अकेले मिले थे, उसके बाद अनुप ने कहा कि साथ में एल्बम करेंगे तो यार 10 लाख रुपए लगेंगे, कुछ पैसे तो एडवांस देने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे बादशाह अपने पापा को अपने साथ ले गए थे जब वो एडवांस पैसे दे रहे थे एंड वो पूरी एल्बम ना बादशाह की होने वाली थी और म्यूजिक हनी सिंह का था। फिर बादशाह से पूछा गया कि क्या वो एल्बम आई, तो बादशाह ने रिप्लाई किया नहीं। फिर बात आई पैसे की कि भाई 10 लाख रुपए किसके पास गए, हनी सिंह के पास या अनुप के पास। तो बादशाह ने कहा कि उन्होंने पैसे हनी सिंह को दिए हैं एंड बादशाह को बताया गया कि जब हनी सिंह से उन्होंने क्वेश्चन करा था कि बादशाह माफिया मुंडीर के हिस्सा है या नहीं है, तब हनी सिंह ने रिप्लाई किया था कि वो बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो इसी का जवाब देते हुए बादशाह ने कहा कि अफसर पता नहीं, बिग बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़ी फैमिली तो सर नहीं थी हमारी, मतलब मेरे जो मेरे दादाजी थे वो लोगों के खेतों में नहीं काम करते, वो करते थे सर। और मेरे पापा इकलौते हैं जो पढ़े थे एंड वो दिल्ली आए और जेई लगे, और जब मैं पैदा हुआ था सर, आप आज भी जाएंगे किसी को भी भेजें, सरस्वती विहार गोयल अंकल का घर था, पीछे के 2 कमरे हमारे हम रहते थे, किराए का मकान था और वहीं बड़ा हुआ सर। तो अगर इसको बड़ा कहते तो हाँ मैं बड़ा था। फिर बादशाह को बताया गया कि हनी सिंह कहते हैं कि भाई बादशाह माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं था। तब बादशाह रिप्लाई करते और कहते हैं कि बादशाह रफ्तार इक्का गोलू और हनी सिंह ये 5 मेंबर थे माफिया मुंडीर के और बाद में कुछ ने ज्वाइन किया एंड उसके कुछ टाइम बाद ना इक्का गोलू रफ्तार गायब हो गए। सबसे पहले टीम को लेफ्ट किया इक्का ने, उसके बाद रफ्तार ने, उसके बाद बादशाह ने एंड उसके बाद कहा कि हम 5 माफिया मुंडीर थे। We collectively were mafia mundir. And this is what I believe. If he says otherwise, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या, जो आपने अभी अभी किया? मैंने डिस किया लगा तो कर। फिर बादशाह से दोबारा से क्वेश्चन करा कि आपके पापा और आप 10 लाख रुपए लेके हनी सिंह के पास गए। देन बादशाह ने रिप्लाई किया कि 2 लाख रुपए उन्होंने पहले दिए और 3 लाख रुपए उसके बाद दिए एंड म्यूजिक वीडियो के लिए 6 लाख रुपए दिए थे, मतलब टोटल 11 लाख रुपए दिए थे। फिर बादशाह से पूछा गया कि ये सारे पैसे हनी सिंह के हाथ में दिए थे, तो बादशाह ने रिप्लाई किया हाँ भाई सारे पैसे हनी सिंह के हाथ में दिए थे। एंड जिस टाइम पे ये सीन चल रहा था तो उस टाइम पे बादशाह का ब्रेकअप हुआ था, जिस टाइम पे हनी सिंह ने उनको काफी सपोर्ट किया था। उस टाइम पे हनी सिंह बादशाह को अपने साथ रखते थे, घुमाते थे, फिराते थे, गेड़िया मारते थे एंड उस बीच उन लोगों ने काफी सारे गाने भी लिखे। फिर बादशाह से पूछा गया कि वो सारे गाने अगर जो बने हैं वो किसके पास है, तो बादशाह ने बोला कि सारे गाने हनी सिंह के पास है। फिर आता है टॉपिक अंग्रेजी बीट का कि भाई अंग्रेजी बीट किसने लिखा है। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे जी, वो किसने लिखा है? वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। आपने लिखा है? हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। क्या बोलूं उस गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। फिर उनसे पूछा गया कि जब आप रैप लिखते थे तो आपके मन में कभी ये चीज नहीं हुआ कि जब आप रैप लिख रहे हैं तो फीचर भी आप ही हो? तो बादशाह ने कहा कि नहीं मेरे मन में कभी भी ये चीज नहीं आई, बल्कि मैं तो हनी से कहता था कि मुझे ये करना है वो करना है और मैं हनी के लिए बहुत ज्यादा खुश रहता था। एंड कहा कि उनकी जो इंटरनेशनल विलेजर एल्बम है उस सीडी के इनले में लिखा है कि वर्ड्स बाय आदित्य सिंह और वो इनले पूरा बादशाह ने लिखा है। फिर उन्होंने बोला कि ये सब जो चीजें चल रही तो उस बीच मैं हनी सिंह को बोलता रहता था कि पाजी मेरा भी गाना कर दो, मेरा भी एल्बम कर दो, क्योंकि बादशाह के घर से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि बेटा 5 लाख रुपए लगाया है, कहाँ है तेरी एल्बम। एंड 2009 में उन लोगों ने गेटअप जवानी की वीडियो शूट करी जिसके लिए बादशाह ने 6 लाख रुपए और दिए। 2009 में उन लोगों ने वीडियो शूट करी, उसके बाद वो बॉम्बे से आए और एयरपोर्ट से अपने अपने घर चले गए। उसके बाद कम से कम 1 साल तक हनी सिंह ने बादशाह का कोई भी कॉल पिक नहीं किया। फिर उनसे पूछा गया कि आपका कॉल पिक क्यों नहीं किया गया, तो बादशाह रिप्लाई करते हैं पता नहीं। एंड बादशाह के पास उनका कोई भी म्यूचुअल नहीं था जो कि वो हनी सिंह से बात कराए, एक था जो हनी सिंह का मैनेजर था अनुप, वो भी कॉल पिक नहीं करता था और एक दो बार अगर कॉल पिक करता था तो वो ये बोल के टाल देता था कि हाँ ठीक है मैं बात करा दूंगा। फिर बादशाह कहते हैं कि उसके बाद मैंने भी कभी ज्यादा फोन ट्राई नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा शर्म वाली बात आ जाती है। फिर बादशाह ने बताया कि उनका अचानक से एक दिन मेल आता है, फिर एक उनकी ईमेल आई, कोई गाना भेजा हुआ था, फिर एकदम से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, पता नहीं कोई तो गाना भेजा हुआ था, रफ्तार का शायद कोई गाना था, मैं सड़कों पे खाली हुई मैं करके गाना। इसको घोस्टिंग कहते हैं क्या? Maybe. यही होती है ना। हाँ
सही बोल रहा हूँ? घोस्टिंग कहते हैं इसको, नए जमाने के लड़के लड़कियाँ। अचानक से गायब हो जाओ एक रिश्ते से और फिर अचानक से वापस आ जाओ और ये प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ब्राउन रंग के बाद एल्बम रिलीज हुई जिसमें बादशाह का सॉन्ग सबसे एंड में रिलीज किया गया। एंड जब एंड में बादशाह का सॉन्ग आया तो उस सॉन्ग में बादशाह को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया, बादशाह का नेम ही नहीं था उसमें। तो बादशाह ने उसके बाद उनके मैनेजर को फोन किया कि यार मेरा तो कोई नाम ही नहीं है इसमें। तो वो हाँ कराते कराते करके बात को टाल दिया। फिर हनी सिंह काफी शोज वगैरह करने लग गए और उस टाइम पे रफ्तार भी अलग हो चुके थे। तो फिर बादशाह से पूछा गया कि भाई रफ्तार क्यों अलग हुए? रफ्तार क्यों अलग हुए? यही चक्कर था सर, कुछ हो नहीं रहा था, किसी का कुछ नहीं हो रहा था। अब देखो जो उनके साथ रहे हैं किसी का हुआ कहाँ कुछ, गोलू का भी कुछ नहीं हुआ, रफ्तार का भी कुछ नहीं हुआ, इक्का भी अलग हो गया, अल्फाज पाजी भी उनके साथ है, उनके भी एक दो ही गाने आए। फिर बादशाह कहते हैं कि जब हनी सिंह की ये एल्बम हिट हुई थी तो उन्होंने बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी कर दिया। तो बादशाह से पूछा गया कि क्या आप उस शो में जाते थे उनके साथ? तो बादशाह ने जवाब दिया, आप भी जाते थे? एक शो पे गया था सर मैं, और उसके बाद हुई थी आपको? नहीं, उसके बाद मुझे लग गया कि यहाँ कुछ नहीं है, ये टाइम वेस्ट हुआ है, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर से अलग हो गए? फिर इस बार मैं अलग हो गया। फिर उनका मैसेज आया मुझे कि शो है आ जाइए, मैंने कहा सर, लास्ट मैसेज वो था। किस साल की बात है? 11, 12 की बात। तो इस तरह से बादशाह और हनी सिंह की स्टोरी स्टार्ट और एंड हुई थी। तो बस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलती हूं मैं आपको बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।